close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Hey guys, welcome back to my YouTube channel Kusum's Lifestyle. So how are you all? I hope कि आप सब मस्त होंगे and स्वस्थ होंगे. So guys, आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है guys. Before दिवाली मेरी सिस्टर इन लॉ की वेडिंग थी, तो हल्दी संगीत एंड वेडिंग डे पर मैं खुद ही रेडी हुई थी. मैंने कोई पार्लर से टचअप नहीं करवाया था, सब मैंने खुद ही लुक क्रिएट करा था. तो मैंने सोचा कि ये लुक आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ ताकि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे. इसके रिलेटेड वीडियो भी मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पर अवेलेबल है. साड़ी मेकअप लुक, देन लहंगा, देन एथनिक वेयर लाइक फ्लोर लेंथ गाउन टाइप का मेकअप लुक मैंने आप लोगों से शेयर करा हुआ. बट जो मैंने वेडिंग डे एंड संगीत पर हल्दी में जो भी लुक क्रिएट करा था, तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ. संगीत में जो मैंने लुक क्रिएट करा था, यानी कि मैंने लहंगा वेयर करा था. सो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर वो लहंगा दिखा देती हूँ कि मैंने ये वाला लहंगा वेयर करा था. इसमें पीच ग्रीन, डार्क ग्रीन एंड येलो का कॉम्बिनेशन है. यू कैन सी इसमें येलो इसका ब्लाउज आएगा. यू कैन सी हेयर, यू कैन सी ब्लाउज. ओके, सो ये पूरा लहंगा है जो मैंने ऑफलाइन परचेज करा था. तो इसकी लिंक मैं आपको नहीं प्रोवाइड कर सकती, बट इसके मिलर कोई मुझे लहंगा या ऐसा कुछ देखने को मिला तो मैं पक्का से पक्का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी. बट ये मैंने ऑफलाइन परचेज करा था. ओके, सो उसके लिए मैंने ज्वेलरीज भी आप लोगों से शेयर करा था मेरा मीशो हॉल. यस, सो मीशो हॉल में मैंने आपको ये नेक पीस शो किया था. तो ये मैंने इसके लिए ही परचेज किया था. सो इसको मैं इस लुक में ऐड करने वाली हूँ, इस लुक में. एंड देन यहाँ पर है मेरे पास ये चूड़ा जो मैंने स्पेशली इस लहंगे के लिए परचेज किया. ये भी मैंने ऑफलाइन ही परचेज किया. सो इसकी भी लिंक आपको नहीं प्रोवाइड कर सकती. बाकी जो भी मैं वेयर करने वाली हूँ सब आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा. ओके, सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल एंड बेनिफिशियल रहेगा. इफ़ यस, देन डू लाइक एंड शेयर टू फ्रेंड्स एंड फैमिली. अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड साइड में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है यहाँ पर नीचे, उसको भी हिट कर दीजिए, यानी कि उसको भी प्रेस कर दीजिएगा. सो विदाउट डू एनी फर्दर, लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट ऑफ ऑल आवर हेयर. तो सबसे पहले मैं अब मेरे हेयर को कॉम कर लेती हूँ ताकि लास्ट में कोई दिक्कत ना आए, कोई प्रॉब्लम ना हो. सो यू कैन सी मैंने जस्ट हल्के से कॉम किए हुई है. बट सबसे पहले मैं यहाँ पर मेरी हेयर सीरम अप्लाई कर लेती हूँ. सो हियर आई एम यूजिंग मैट्रिक्स ऑप्टिक एयर स्मूथ स्ट्रेट प्रोफेशनल स्प्लिट एंड सीरम शिया बटर. ये वाली मैं सीरम यूज़ कर रही हूँ. जस्ट आपको पाम में 2-3 ड्रॉप्स लेने होते हैं, देन इसको अच्छे से अपने हेयर लेंथ पर इसको अच्छे से अप्लाई कर लेना होता है. तो ये आपके हेयर को स्मूथ एंड शाइन प्रोवाइड करता है. यू कैन सी, तो मैं हल्की सी ही अप्लाई करने वाली हूँ. यू कैन सी. ओके, सो अभी मैं मेरे हेयर को इतना ज़्यादा भी कॉम नहीं कर रही हूँ. जस्ट मैं यहाँ पर क्लच ऐड कर दूंगी. यू कैन सी मैंने बटरफ्लाई अप्लाई कर लिया है मेरे हेयर पर ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो. ओके, ओके, सो डन. सो नाउ मूव टू द स्किन केयर. तो स्किन केयर में मैंने मेरा फेस वॉश कर लिया है. सो जस्ट अभी मैं यहाँ पर अप्लाई करने वाली हूँ टोनर. सो हियर आई एम यूजिंग गुड वेब्स टी ट्री स्किन क्लींजिंग टोनर. ये मैंने बहुत बार आप लोग से शेयर किया, जस्ट चेक बिफोर यूज. एंड देन इसको आपको अच्छे से फेस पर अप्लाई कर लेना है स्प्रे करके. यू कैन सी ये बहुत ही क्विकली ये क्विकली ही आपके स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है. यू कैन सी. ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट. नेक्स्ट जो स्टेप है वो है हमारा मॉइस्चराइजर. बट आप चाहो तो
मॉइस्चराइज़र को स्किप करके यहाँ पर एलोवेरा जेल जो आता है वो भी यू नो अप्लाई कर सकते हो, बट यहाँ पर मैं यूज़ करने वाली हूँ दिस पॉन्ड सुपर लाइट जेल ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र, वन ऑफ द माई मोस्ट फेवरेट मॉइस्चराइज़र है, मैंने मेरे बहुत सारे वीडियोज़ में आप लोगों से शेयर किया है। जस्ट आपको ऑल ओवर फेस पर इसको अच्छे से यू नो अप्लाई कर लेना है, और जितना हो सके उतना मॉइस्चराइज़र आप विंटर सीजन में अगर अप्लाई करोगे तो आपका जो मेकअप है ना वो फ्लॉलेस दिख कर आएगा, एंड जो ड्राइनेस आपको दिखता है ना मेकअप में तो वो नहीं दिखेगा। यू कैन सी मैंने बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया है, ओके। सो ये जो लहंगा मेकअप लुक है वो मैंने संगीत में, वो नाइट में यू नो फंक्शन था, डे फंक्शन पर ये लुक क्रिएट करना चाहते हो तो आप पक्का से पक्का सनस्क्रीन को अपने मेकअप लुक में इंक्लूड करिएगा, बट मैं यहाँ पर इसको स्किप कर रही हूँ, ओके। सो मूव टू द नेक्स्ट यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ प्राइमर। सो फॉर प्राइमर हियर आई एम यूजिंग NY Bay प्राइमर मिनिमाइज पोर, यू कैन सी ये आपको 15 ग्राम में मिलता है, बट बहुत ही अच्छा खासा प्रोडक्ट है। अगर आप पर्पल पर यू नो सर्च करते हो ना प्राइमर, सो ये #1 इन द बेस्ट सेलर में आता है ये। सो यू कैन सी इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही स्मूथ है। सो मैं इसको अप्लाई कर लूँगी, आपको इवनली आपके फेस पर इसको अप्लाई करना है, और जैसे आप इसको अप्लाई करते जाओगे ना आपकी जो स्किन है ना वो आपको इतनी स्मूथ लगेगी ना मत पूछो। अगर आप हाई रेंज पर प्राइमर पर परचेस करना चाहते हो तो आप कलर बार का यू नो ट्राई कर सकते हो, रिव्यूज़ में देखा होगा कि मैं एज अ प्राइमर इसको ही यूज़ कर रही हूँ, देन मॉइस्चराइज़र भी मेरा वही है पॉन्ड्स सुपर लाइट जेल, ओके। सो यहाँ पर मैंने अप्लाई कर लिया है प्राइमर। सो मूव टू द नेक्स्ट, और नेक्स्ट यहाँ पर हमारा जो स्टेप है वो आता है फाउंडेशन। सो फॉर फाउंडेशन हियर आई एम यूजिंग दिस Maybelline योर फिट मी मैट प्लस पोरलेस फाउंडेशन, यू कैन सी इसमें जो मेरा शेड है वो है 120 है। जस्ट आपको थोड़ी सी क्वांटिटी में लेना है, क्योंकि इसके साथ में ऐड करने वाली हूँ यहाँ पर ये स्विस ब्यूटी का पॉल इल्यूमिनेटर मेकअप बेस, क्योंकि ये मैं नाइट मेकअप लुक क्रिएट कर रही हूँ, सो डेट्स व्हाई मैंने इसको इंक्लूड किया था, ताकि अच्छे से यू नो आपकी स्किन है वो शाइन करे, यू नो फ्लॉनेस दिखे। सो मैं इसको अच्छे से यू नो मिक्स कर लूँगी, एंड देन आपको इसको डॉटेड डॉटेड आपके ऑल ओवर फेस पर अप्लाई कर लेना है। यू कैन सी मैंने बहुत ही यू नो हैवी मेकअप लुक नहीं किया था, जस्ट मैंने सिंपल ही रखा था। जस्ट डॉटेड डॉटेड आपको कर लेना है, ओके। सो नाउ यहाँ पर मेरे पास है ब्यूटी ब्लेंडर, तो इसको मैंने पानी में यू नो स्क्वीज कर लिया, तो यू कैन सी इसकी जो साइज़ है वो थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। सो यहाँ पर मैं इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। ये भी मैंने पर्पल से परचेस किया था, सो आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छे से कवरेज देता है, यू कैन सी। अगर आप वेट यू नो स्पंज यानी कि ब्यूटी ब्लेंडर अप्लाई करते हो ना फॉर फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए आप यूज़ करते हो ना, तो ये इवनली ही आपके पूरे फेस पर अप्लाई हो जाता है, यू कैन सी। जस्ट आपको ऐसे टैप टैप करना होता है और ये अच्छे से यू नो अप्लाई हो जाता है, यू कैन सी इवनली अप्लाई हो जाता है। जितना भी अभी फाउंडेशन है वो सारा मैं मेरे नेक पर अप्लाई कर लूँगी, यू कैन सी कि इतना अच्छा कवरेज मिला है, बहुत हैवी लुक नहीं कर रही हूँ, जस्ट मैंने हल्का सा यू नो अप्लाई किया, ओके। सो मूव टू द नेक्स्ट, सो नेक्स्ट स्टेप इज कंसीलर, ओके। सो फॉर कंसीलर हियर आई एम यूजिंग NY Bay कंसीलर, इसकी लिंक सारी प्रोडक्ट जितने भी यूज़ करी हो सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड रहेगी, सो मेक श्योर टू चेक इट आउट माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ओके। सो मैंने इस तरह से इसको अप्लाई किया है, एंड देन सेम ब्यूटी ब्लेंडर से मैं इसको इवनली टैप टैप करके अप्लाई कर लूँगी, यू कैन सी सिरर है उसको भी मैंने इवनली अप्लाई कर लिया, ओके। सो मूव टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट स्टेप इज़ कॉम्पैक्ट। सो फॉर कॉम्पैक्ट मेरे मेकअप जो बेस है वो मैंने अप्लाई कर लिया, तो उसको सेट करने के लिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ Lakme Sun Expert SPF 40 Plus अल्ट्रा मैट कॉम्पैक्ट नॉन स्टिकी सन प्रोटेक्शन, और इसमें
SPF 40 प्लस भी है, अगर मैंने सनस्क्रीन अप्लाई नहीं किया है तो फिर भी ये अच्छे से नो, और यू कैन सी कि इसको मैंने कितना यूज़ कर लिया है, आप देख सकते हो ये ख़त्म होने आया है। मैं ऑल ओवर फेस पर इसको अप्लाई कर लूँगी। ओके, ये मेरा जो बेस है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पर यू कैन सी अभी आपको मेरा फेस है वो थोड़ा वाइट वाइट दिख रहा होगा, बट ये धीरे धीरे जैसे मेकअप यू नो सेट हो जाएगा तो अच्छे से यू नो अच्छा सा लुक आएगा। बात करते हैं हमारे आई मेकअप की, तो सबसे पहले हमारे जो आईब्रो है उसको मैं फिल कर ले रही हूँ। हेयर आई एम यूजिंग NYB आईब्रो पेंसिल, यू कैन सी। सो मैं इसको अप्लाई कर लूँगी। मैंने मेरे आईब्रोज है उसको फिल कर लिया है। और फॉर आई मेकअप हेयर आई एम यूजिंग दिस स्विस ब्यूटी हॉलीवुड 32 कलर फॉर एवर आई शेडो। सो इसमें से हम सबसे पहले अप्लाई करने वाले हैं बेस कलर, यानी कि ये वाला कलर। सो यहाँ पर मैं बेस कलर लेके मेरे आईलेट पर इसको अप्लाई कर लूँगी। और जितना पेशेंस से आप ये लुक क्रिएट करोगे उतना ही अच्छा सा लुक आएगा। जल्दबाजी मत करिएगा। अब उससे भी थोड़ा डार्क टोन में जाते हैं हम। इसको मैं आउटर वी लाइन से अंदर की तरफ अप्लाई करूँगी, स्मज करूँगी। इसमें से हम ग्रीन कलर पिक करने वाले हैं, एंड देन इसको इनर वी शेप से हम बाहर की तरफ अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप के लिए यहाँ पर मैं यूज करने वाली हूँ ये निका के 9 न्यूयॉर्क का 9 परफेक्ट 9 कलर्स। यू कैन सी इस टाइप का पैलेट आपको रिसीव होता है। इसमें से मैं पिक करने वाली हूँ येलो, ये वाला। इसको मैं पिक करके अपनी जो आईलैशेस है ना उसके अराउंड इसको अप्लाई करने वाली हूँ। यू कैन सी। ओके, इट्स डन। Now next step is, for eyeliner here I am using Swiss Beauty Ultra Black Long Wear Non-Transfer Liquid Pen Eyeliner। You can see इस टाइप की पैकेजिंग आपको रिसीव होता है। You can see। मैं यहाँ पर सिंपल से ही आई लाइनर अप्लाई करने वाली हूँ। So for kajal here I'm using NYB the big apple of my eyes, you can see। So now next step is mascara। For mascara here I'm using Maybelline New York Hyper Curl waterproof mascara, you can see। So for lipstick here I'm using this NYB lipstick, एंड इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये है मेरा मेकअप। अभी मैं मिलती हूँ आपको आउटफिट चेंज करने के बाद, तब जाके आपको लुक थोड़ा सा समझ में आएगा कि कैसा लुक है। यहाँ पर मैंने ब्लाउज है वो मैंने यहाँ पर यू नो वेयर कर लिया है। यू कैन सी ये येलो है, एंड देन यहाँ पर इसमें मिरर यू नो अटैच किए हुए, प्लस आप इसकी स्लीव भी देख सकते हो काफ़ी अच्छी दी हुई है, यू कैन सी। ये जो ब्लाउज है वो रेडीमेड नहीं है, ये खुद टेलर से यानी कि मेरी मम्मी ने खुद सिला है। नाउ जो हमारा मेकअप है वो तो डन है, बट यहाँ पर मैं अभी यूज़ करने वाली हूँ ये ब्लश। फॉर ब्लश हेयर आई एम यूजिंग स्टेक विर की चिक्की ब्लश। इसका रिव्यू भी मैंने आप लोगों के साथ मेरी ऑलरेडी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, तो डू चेक इट आउट। ब्लश का
Blushy girl. For highlighter here I am using same निका के 9 पैलेट, इसमें से ये जो हाइलाइटर वाला शेड है यहाँ पर उसको मेरे चिक पर अप्लाई कर लूंगी। आप चाहो तो इसको फोर हेड देन चीन एरिया पर भी इसको अप्लाई कर सकते हो एंड नोज पर भी इसे अप्लाई कर सकते हो, यू कैन सी। ओके सो इट्स डन। ओके सो नाउ ये जो हमारा मेकअप है उसको हम सेट कर लेंगे। तो फॉर फॉल्टेड हेयर आई एम यूजिंग मेकअप फिक्सर नेचुरल एलोवेरा विथ विटामिन ई, स्विस ब्यूटी का ये मेकअप फिक्सर है। शेक वेल फॉर अप्लाइंग दिस। सो जस्ट आपको इसको ऑल ओवर फेस पर ऐसे स्प्रे करना है एंड देन ये आपके स्किन में अच्छे से यू नो एब्सॉर्ब हो जाएगा। सो नाउ आई एम डन विथ माय मेकअप। हेयर आई एम वेयरिंग दिस नेक पीस विच आई गॉट फ्रॉम मीशो। सो उसके रिलेटेड मैंने वीडियो भी शेयर करा हुआ है मेरे चैनल, सो डू चेक इट आउट गाइस। ओके सो इसको तो सबसे पहले ना हम हेयर स्टाइल कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर मिडल पार्टीशन करने वाली हूँ। यू कैन सी। ओके सो ऐसा भी अच्छा ही लग रहा है। ठीक है इसका जो मांग टीका है वो हम वेयर कर लेते हैं। ठीक है सो थोड़े से यहाँ पर मैंने हेयर ले लिए हैं। सो इसमें मैं पहले इसको टक इन कर लूँगी। ठीक है एंड देन यहाँ पर बॉबी पिन से हम इसको सिक्योर कर लेंगे। ताकि अच्छे से यू नो सेट हो जाए। देन यहाँ से मैं थोड़े से यू नो हेयर लेकर बैक कॉम कर लूँगी। ओके एंड देन आपको इसको ट्विस्ट करके इस साइड लाना है ऐसे करके एंड देन इसको भी हम सिक्योर कर लेंगे। ठीक है सो नाउ सेम आपको यहाँ से भी करना है। देन यहाँ से थोड़ा सा पफी इफेक्ट दे देंगे एंड देन यहाँ पर भी हम बॉबी पिन से इसको भी सिक्योर कर लेंगे। सो नाउ हम इसकी इयररिंग्स यू नो वेयर कर लेते हैं। अच्छे से हेयर मेरा सेट हो जाए। ओके सो नाउ यहाँ पर बिंदी अप्लाई करने वाली। यहाँ पर मेरे पास है डार्क ग्रीन, इसको अप्लाई कर लूँ। यहाँ पर मैं अपना चूड़ा भी वायर कर लेती हूँ। सो यहाँ पर मैं वेयर करने वाला हूँ ये फिंगर रिंग। ओके गाइस तो ये था मेरा आज का मेकअप लुक जो मैंने मेरी सिस्टर इन लोग की यू नो संगीत में यू नो
क्रिएट करा था। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के हेल्पफुल एंड बेनिफिशियल रहा होगा। इफ़ यस देन डू लाइक एंड शेयर टू फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड साइड में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है यहाँ पर नीचे उसको भी हिट कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। सो मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तो देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग।